रज़िया सुल्ताना एक खूबसूरत और दिलेर महिला जिसे भारत की पहली महिला शासक होने का गौरव प्राप्त है। 1205 ईसा पूर्व में रज़िया सुल्ताना एक मुस्लिम शासक के घर पैदा हुई थीं, जो आगे चलकर सल्तनत ए हिंद के नाम से जानी गईं। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रज़िया बचपन से ही एक कुशल योद्धा, तलवारबाज, चतुर रणनीतिकार और योग्य नौकरशाह थीं। जिस दौर में मुस्लिम महिलाओं को हरम की साज सज्जा की वस्तु समझा जाता था, उस समय रज़िया सुल्ताना युद्ध प्रशिक्षण और सेनाओं का मार्गदर्शन करना सीख रही थी। हालांकि रज़िया कभी सुल्तान के तख्त पर नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन रज़िया के कौशल और चतुराई को देखते हुए उनके पिता इल्तुतमिश ने उन्हें हिंदुस्तान की सुल्ताना घोषित कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश ग्वालियर के किले पर आक्रमण करने जा रहे थे। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी तो घोषित किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद मुस्लिम सरदारों ने एक महिला को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रज़िया के सौतेले भाई रुकन उद्दीन फिरोज को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया। हालांकि उनका शासनकाल बहुत ही कम समय के लिए था। गद्दी पर बैठने के बाद फिरोज अपनी प्रजा और सल्तनत के प्रति लापरवाह हो गया, जिसके बाद प्रजा का आक्रोश फिरोज के खिलाफ फूट पड़ा और उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिरोज की मृत्यु के बाद मुगल सरदारों के पास सुल्तान के पद के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था, जिसके चलते मुसलमानों को एक बार फिर महिला शासक को राज्य की बागडोर देनी पड़ी। इस तरह रज़िया सुल्तान दिल्ली की सुल्ताना के रूप में उभरी। रज़िया सुल्ताना ने 1236 से 1240 ईसा पूर्व के बीच दिल्ली के तख्त पर राज किया। रज़िया सुल्ताना को घुड़सवारी सिखाने वाले गुलाम जमाल उद्दीन याकूत ने इस तख्ता पलट में उनकी काफी मदद की थी, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ये नजदीकियां कब प्यार में बदली, रज़िया और याकूत को खुद इस बात का पता नहीं चला। रज़िया सुल्ताना ने याकूत को अपना सलाहकार बना दिया था, लेकिन यही प्रेम रज़िया की मौत का सबसे बड़ा कारण बना। रज़िया और उसके सलाहकार याकूत के बीच विकसित हो रहे प्रेम संबंध की बात मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि याकूत तुर्क नहीं था। इसलिए प्रजा और दरबार के लोगों के बीच असंतोष फैलने लगा। रज़िया और याकूत के प्रेम संबंध से खफा होकर भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। दरअसल सूबेदार अल्तुनिया और रज़िया बचपन के दोस्त थे। बढ़ती उम्र के साथ अल्तुनिया को रज़िया से एक तरफा प्यार हो गया, जबकि रज़िया याकूत को अपना दिल दे बैठी थी। रज़िया को पाने के लिए अल्तुनिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, जिसके बाद अल्तुनिया ने रज़िया और याकूत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में याकूत मारा गया, जबकि रज़िया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रज़िया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। इस बीच रज़िया के भाई मेज़ुद्दीन बहराम ने दिल्ली का सिंहासन हत्या लिया। अपनी सल्तनत को वापस पाने के लिए रज़िया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में वो बुरी तरह हार गए, जिसके बाद इन दोनों को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। दिल्ली से भागने के कुछ दिन बाद वो दोनों कैथल पहुंचे, जहां सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद 1240 में रज़िया और अल्तुनिया ने जाटों के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में दोनों की मौत हो गई। कुछ समय बाद रज़िया के भाई मेज़ुद्दीन बहराम को अयोग्यता के कारण गद्दी से हटा दिया गया। तो ये था सल्तनत ए हिंद रज़िया सुल्तान की मौत का कारण। उनके प्यार ने उन्हें न सिर्फ गद्दी से हटाया, बल्कि उन्हें अपने प्राण भी त्यागने पड़े। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।